मतलब आप देख रहे हैं भारत समाचार, करते हैं खबरों की ओर। बसंत पंचमी पर्व को लेकर पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है। माघ मेले का चौथा स्नान पर्व है आज। बता दें, सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज, हरिद्वार समेत सभी तटों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। संगम के 12 स्नान घाट पर श्रद्धालुओं की ये भीड़ है। स्नान घाट पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक ये माघ मेला चलेगा। बता दें कि आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं की ये भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुबह से ही पहुंचे हुए हैं श्रद्धालु। तो बसंत पंचमी का पर्व बेहद ही धूमधाम से आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। और प्रयागराज की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां संगम तट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही श्रद्धालु घाट पर पहुंचे हुए हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर सुरक्षा की बात की जाए तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाएं तमाम की गई हैं। आज बसंत पंचमी है और माता सरस्वती का जन्मदिन है आज। तो मैं भी एक विद्यार्थी हूं और जितने भी बच्चे विद्यार्थी यहां पर पढ़ाई करते हैं, तो एक तरीके से आज उनका दिन है कि वो माता सरस्वती का ध्यान करें, गंगा स्नान करें और पूरे वर्ष के लिए उनसे कामना करें कि उनकी विद्या में और ज्ञान में बढ़ोतरी हो। इसलिए आज बसंत पंचमी के दिन पीला पहनकर गंगा जी का स्नान करने के लिए आए। आज के दिन लोग अक्षर आरंभ करते हैं, अपनी नई पुस्तक लिखते हैं, नया कार्य करते हैं, नया वाहन लेते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो भी व्यक्ति सरस्वती जी की पूजा करता है, वो अज्ञानी भी क्यों ना हो, माँ सरस्वती के प्रताप से ज्ञान उसके अंतर मन में प्रफुल्लित होता है। संत पंचमी का दिन था, बहुत शुभ दिन था और स्नान था आज, महत्वपूर्ण स्नान था। यहाँ पे स्नान करके दीपदान, फूल अर्पण, फल अर्पण, सब अर्पण करके सभी लोग ने अपने स्नान करके जो बसंत पंचमी का जो स्नान पर्व है, ये माघ मास की श्रृंखला का तीसरा प्रमुख पर्व है। आज के दिन इतनी ज़्यादा सरस्वती पूजन की, स्नान की, दान की मान्यताएं हैं कि आज के दिन अक्षर आरंभ कराया जाता है। व्यक्ति अपनी नई पुस्तक लिखता है, नई चीज़ों को खरीदता है, नए वस्त्र धारण करता है और सरस्वती जी की पूजा करी जाती है। ऐसा मान्यता है कि अज्ञानी भी अगर इस दिन सरस्वती जी की पूजा करेगा तो उसके ज्ञान की वृद्धि होगी। और संगम का क्षेत्र अक्षय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर किया गया कोई भी पुण्य कर्म जन्म जन्मांतरों तक अक्षय रहता है। और यह आज बसंत पंचमी का दिन है, माँ सरस्वती माँ की पूजा भी होती है आज के दिन, उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। आज महत बसंत पंचमी का, सरस्वती का दिन है। जो बच्चे स्नान करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे, उसका बहुत बड़ा महत्व होगा। इसका मतलब आगे की ओर लक्ष्मी वास करेंगी और उनको प्राप्त होगा, हर जो सोचेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। जी, बसंत पंचमी का पावन पर्व है और प्रातःकाल से मौसम खराब होने के बावजूद, रात्रि में बारिश होने के बावजूद, ठंडी हवाएं चलने के बावजूद भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का लगातार माघ मेले क्षेत्र में विभिन्न स्नान घाटों पर जी बसंत पंचमी का पर्व है और खराब मौसम, बारिश के बावजूद भी संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का लगातार आगमन हो रहा है। विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, सारे स्नान घाटों पर ये स्नान सुचारू रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है वो क्रियाशील है। 300 से अधिक कैमरों के माध्यम से हम लोग मेले के विभिन्न स्नान घाटों पर, महत्वपूर्ण स्थानों पर नज़र रखे हुए हैं। खराब मौसम की वजह से बोटों का संचालन अभी प्रतिबंधित था, 15-20 मिनट पहले उनको प्रारंभ किया गया है। यदि फिर मौसम बिगड़ता है तो हम तत्काल उसको प्रतिबंधित कर देंगे। विभिन्न इकाइयां, ATS के कमांडोज, RF की टीमें, जल पुलिस के लोग, प्रशिक्षित गोताखोर, SDRF, NDRF की टीमें, AS चेक टीम्स, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, एंटी रोमियो टीम, एंटी क्राइम टीम, सभी क्रियाशील हैं। जो और प्रयागराज से धीरेन्द्र हमसे जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, देखिए पूरे देश में बसंत पंचमी का पर्व आज मनाया जा रहा है, संगम नगरी में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए मयूर, जो स्नान पर्व है, माघ मेले का चौथा स्नान पर्व है और बसंत पंचमी के स्नान पर्व पर ही जो श्रद्धालु हैं उनका जो हुजूम है वो संगम नोज की तरफ उमड़ चुका है। भोर से ही आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस समय अगर हम नजारा बात करें संगम नोज का, तो इस समय जो तस्वीरें है पूरी तरीके से संगम नोज
श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। भोर से ही श्रद्धालुओं का लगातार जो संगम नोज पे आने का क्रम जारी है। आस्था की डुबकी लगाकर लोग अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से मौसम खराब था, बारिश हो गई थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं वो लगातार संगम नोज पर आ रहे हैं। गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य का की कामना कर रहे हैं। अगर हम बात करें तैयारियों की तो 12 स्नान घाट बनाए गए हैं। 12 स्नान घाटों पर इस समय स्नान चल रहा है। सभी स्नान घाटों पर सादे कपड़े में सुरक्षा के जवान तैनात किए गए हैं। घाटों पर डीप वाटर बैरिकेटिंग की गई है और जिस तरीके से वहां पर किसी तरीके से श्रद्धालुओं के साथ अपनी घटना न घट सके उसके लिए सादे कपड़े में भी पुलिस की तैनाती कर दी गई। तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। पूरे मेले को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। तो चौथा जो स्नान पर्व है वो बसंत पंचमी के स्नान पर्व माघ मेले में इस समय चल रहा है। पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक माघ मेला चलता है और आज लाखों की तादाद में संगम नोज पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे। मयूर धीरेन्द्र, आप मौके पर मौजूद हैं, देखिए तमाम श्रद्धालु आसपास मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। देखिए श्रद्धालु जो है वो लगातार भोर से ही यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार देखिए ये वापसी का मार्ग है, जो संगम स्नान के बाद जो अपने घरों को स्नान के बाद जाते हैं ये वापसी मार्ग है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम बात करें, कल से ही मौसम ने करवट बदली है, ओले पड़े हुए हैं प्रयागराज के आसपास और बाघ मेला क्षेत्र में बारिश हुई है। तंबुओं का ये पूरा शहर बसाया जाता है, लेकिन सभी अव्यवस्थाओं के बीच जो आस्था है वो भारी पड़ रही है। लगातार जो श्रद्धालु हैं कल्पासी हैं दूर दराज से वो माघ मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और इस बसंत पंचमी के पर्व पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी धीरेन्द्र, जैसा कि अभी आपने बताया कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी भरपूर की गई है, तो इसको लेकर श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो चार चौबंद व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि किसी भी तरीके के जो श्रद्धालु हैं वो सुरक्षित अपने घरों को स्नान करके वापस चले जाएं। जो यातायात प्रबंधन है वो पूरी तरीके से है कि आने का मार्ग अलग है, जाने का मार्ग अलग है, पार्किंग की अलग व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ 12 स्नान घाट बनाए गए हैं, संगम नोज सहित 12 स्नान घाट है। अगर भीड़ बढ़ती है तो आसपास के जो स्नान घाट है वहां पर श्रद्धालुओं को स्नान कराया जा रहा है। लेकिन थोड़ी अव्यवस्था जरूर हुई है क्योंकि जिस तरीके से कल लगातार बारिश हुई है, भोर में ही बारिश हुई है और पूरे जो मेला क्षेत्र है पूरा कीचड़ से सना हुआ है। इस सब के बावजूद भी अव्यवस्थाओं पर आस्था भारी पड़ रही है। अव्यवस्थाओं का ये श्रद्धालुओं पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लगातार श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। जो एक महीने यहाँ पर संगम की रेती में वास कर कल्पवास करते हैं वो सारे लोग आज अपने टेंटों से निकलकर और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी धीरेन्द्र, देखिए आज बसंत पंचमी का पर्व है और जैसा कि आपने बताया कि चौथा स्नान श्रद्धालु कर रहे हैं, तो कितनी संख्या में ये श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं सुबह से ही? देखिए अगर बात की जाए तो अब तक जो प्रशासन का अनुमान है कि 20 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा लिया है और शाम तक 50 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं, जो अनुमान है प्रशासन का कि 50 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो माघ मेला क्षेत्र में पहुंचेंगे और यहाँ पर स्नान करेंगे। उसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। जिस तरीके से रात में बारिश हुई है तो रैन बसेरे भी बड़े बड़े रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें कि रात में ही जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुके थे उनको रैन बसेरे में आश्रय दिया गया था। उसके बाद भोर में ही रैन बसेरे से निकल कर और फिर वो यहाँ पर संगम में स्नान कर रहे हैं। तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद है क्योंकि ये 2025 में जो कुंभ लगने वाला है, कुंभ का ट्रायल के रूप में यह माघ मेला देखा जा रहा है। तो प्रशासन भी जिस तरीके से भीड़ आ रही है उसको, भीड़ को किस तरह क्राउड मैनेजमेंट किया जाए, किस तरह से स्नान घाटों पर स्नान सुरक्षित श्रद्धालुओं को स्नान कराया जाए, जो सारी तैयारियां हैं वो पहले से ही प्लान कर ली गई थी। और अभी आज चौथा स्नान पर्व है, चूंकि जो सबसे बड़ा स्नान पर्व होता है मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है जिसमें कि 2 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो जो प्रशासनिक तैयारी थी, प्रशासन अब भीड़ मैनेजमेंट या फिर जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनको सुरक्षित उनको घरों को वापस करने के लिए जो तैयारियां की गई थी उसमें अब पास होता नजर आ रहा है। जी ठीक है, धन्यवाद धीरेन्द्र हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए।
आज बसंत पंचमी है और माता सरस्वती का जन्मदिन है आज। तो मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और जितने भी बच्चे विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, तो एक तरीके से आज उनका दिन है कि वो माता सरस्वती का ध्यान करें, गंगा स्नान करें और पूरे वर्ष के लिए उनसे कामना करें कि उनकी विद्या में और ज्ञान में बढ़ोतरी हो। इसलिए आज बसंत पंचमी के दिन पीला पहनकर गंगा जी का स्नान करने के लिए आए। आज के दिन लोग अक्षर आरंभ करते हैं, अपनी नई पुस्तक लिखते हैं, नया कार्य करते हैं, नया वाहन लेते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो भी व्यक्ति सरस्वती जी की पूजा करता है वो अज्ञानी भी क्यों ना हो, माँ सरस्वती के प्रताप से ज्ञान उसके अंतर मन में प्रफुल्लित होता है। संत पंचमी का दिन था, बहुत शुभ दिन था और स्नान था, आज महत्वपूर्ण स्नान था। यहाँ पे स्नान करके दीपदान, फूल अर्पण, फल अर्पण, सब अर्पण करके सभी लोग ने अपने स्नान करके जो बसंत पंचमी का जो स्नान पर्व है, ये माघ मास की श्रृंखला का तीसरा प्रमुख पर्व है। आज के दिन इतनी ज़्यादा सरस्वती पूजन की, स्नान की, दान की मान्यताएं हैं कि आज के दिन अक्षर आरंभ कराया जाता है, व्यक्ति अपनी नई पुस्तक लिखता है, नई चीज़ों को खरीदता है, नए वस्त्र धारण करता है और सरस्वती जी की पूजा करी जाती है। ऐसा मान्यता है कि अज्ञानी भी अगर इस दिन सरस्वती जी की पूजा करेगा तो उसके ज्ञान की वृद्धि होगी और संगम का क्षेत्र अक्षय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर किया गया कोई भी पुण्य कर्म जन्म जन्मांतरों तक अक्षय रहता है। और यह आज बसंत पंचमी का दिन है, माँ सरस्वती माँ की पूजा भी होती है आज के दिन, उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। आज महत बसंत पंचमी का, सरस्वती का दिन है, जो बच्चे स्नान करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे, उसका बहुत बड़ा महत्व होगा। इसका मतलब आगे की ओर लक्ष्मी वास करेंगी और उनको प्राप्त होगा, हर जो सोचेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। जी, बसंत पंचमी का पावन पर्व है और प्रातःकाल से मौसम खराब होने के बावजूद, रात्र में बारिश होने के बावजूद, ठंडी हवाएं चलने के बावजूद भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का लगातार माघ मेले क्षेत्र में विभिन्न स्नान घाटों पर आगमन हो रहा है और स्नान सुचारू रूप से चल रहा है, पूर्ण कुशलता है। चूँकि तेज हवाएँ चल रही थी इसलिए बोटों का। हरिद्वार से आशीष धीमान हमसे जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए बसंत पंचमी का पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है, हरिद्वार में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं, आज बसंत पंचमी भी है और बसंत पंचमी का स्नान भी है, इसी को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार की हर की पौड़ी पर श्रद्धालु सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय मैं हरिद्वार की हर की पौड़ी पर खड़ा हूँ। भारी तादाद में श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ लगी हुई है, माँ गंगा में डुबकी लगाकर और मंगल कामना की कामनाएं कर रहे हैं। कहा जाता है कि आज के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था और इसी को लेकर जो देश के जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पहुंचकर माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और साथ ही साथ दान पुण्य भी कर रहे हैं। बसंत पंचमी का आज दिन है और सुबह से ही शहर में जो पतंगबाज है वो लगातार पतंगबाजी कर रहे हैं, देखने को मिल रही है। वहीं अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो हरिद्वार की हर की पौड़ी पर माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आशीष, ये हर की पैड़ी की हम तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, व्यवस्थाओं की बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी मयूरी, मैं आपको बता दूं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही जो गंगा स्नान है वो सुचारू रूप से चल रहा है। अगर सुरक्षा की अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। वहीं अगर बात करें तो चाहे डॉग स्क्वाड हो या ड्रोन से भी नजर, यहाँ पूरे मेला क्षेत्र में नजर रखी जा रही है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचकर माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही दान पुण्य भी कर रहे हैं। जी तो आशीष, देखिए जिस तरह से तैयारियां की गई हैं तो उसको लेकर श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है व्यवस्थाओं को लेकर? तैयारियां सरकार प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और अगर श्रद्धालु की बात करें तो श्रद्धालु जो दूर दूर श्रद्धालु आ रहे हैं माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के साथ, उनके साथ एक बड़ा ही खुशी महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज के दिन अगर गंगा में स्नान किया जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी को लेकर हरिद्वार की हर की पौड़ी पर देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पहुंचकर माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद आशीष हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए बसंत पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, आज बसंत पंचमी है और देखिए स्नान के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो घाटों पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी भरपूर की गई हैं।
और आगे बढ़ते हैं।